हेलो फ्रेंड्स, मैं सीजीपीएससी के एस्पिरेंट हूँ। आप में से बहुत लोग फाइनल ईयर के एग्जाम दे रहे होंगे या दे चुके होंगे, फिर आपके मन में डाउट आएगा कि आप किसकी तैयारी करें। तो मैं सीजीपीएससी एक अच्छा ऑप्शन मानता हूँ इसके लिए, और मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं बताऊंगा कि सीजीपीएससी की तैयारी कैसे करें। तो सही जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। ये 5 पॉइंट है जो मुझे लगती है कि पढ़ाई स्टार्ट करने के पहले और थ्रू आउट पढ़ाई हमें ध्यान रखनी है। तो पहले डिस्कशन पॉइंट पे आते हैं। हमें प्रिपरेशन के पहले हमें ध्यान रखनी है, या हमारे मन में डाउट आता है कि हमें करनी है या नहीं करनी है ये सब चीज। पहली चीज है कोचिंग। तो मैंने कोचिंग की हुई है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोचिंग ज्वाइन कर लें। इससे एक फायदा है, इससे फायदा ये है कि सीजीपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है और हमें सिलेबस कवर करने में फायदा होता है। जैसे आप कोचिंग में उस चीज को पढ़ रहे हैं, फिर उसको आप अपने यहाँ जाके फिर दोबारा पढ़ रहे हैं, तो आपको कम टाइम भी लगेगा और आप कुछ नया भी पढ़ सकते हैं। तो इससे आप अपनी ही एफिशिएंसी बढ़ा लेंगे और सिलेबस कवर करने में फायदा होता है कोचिंग करने। अब कोचिंग ऑप्ट करने के बाद फिर डाउट आता है कि प्री की कोचिंग करें या मेंस की करें। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि मेंस की करें। आप प्री से पहले मेंस रेडी रहे, क्योंकि मेंस में करीबन 20 से 22 सब्जेक्ट पढ़ना है, और आप मेंस की कोचिंग करें, इससे आपको ही फायदा होगा क्योंकि उसमें आंसर राइटिंग होता है। अब कोचिंग नहीं करने पे हम क्या कर सकते हैं? वह हमें सेल्फ स्टडी कैसे करना है, हमें लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां जाके पढ़ाई कर सकते हैं, सिलेबस के हिसाब से अपना टारगेट सेट कर सकते हैं, इतने मंथ में हम प्लान कर सकते हैं कि हमको इतना कंप्लीट करना है पोर्सन। तो सेल्फ स्टडी में आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना है। उसके बाद सेकेंड डाउट आता है मीडियम चूज करने की। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए कोई उतना डाउट है नहीं, क्योंकि यहाँ कोचिंग सब ज्यादातर हिंदी मीडियम में ही है और स्टडी मटेरियल भी इजिली अवेलेबल है। अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ा सा कम है इंग्लिश में, स्टडी मटेरियल बहुत कम है इंग्लिश में और कोचिंग भी कम है। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि इंग्लिश मीडियम वाले क्या क्या कर सकते हैं। अब सेकेंड पॉइंट आती है की पॉइंट, पढ़ाई स्टार्ट करने के साथ और थ्रू आउट हमें किन बातों पे ध्यान देना है। तो फर्स्ट है सिलेबस। किसी भी एग्जाम का सिलेबस सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लें और प्रिंट करा के रखें। और कोई सा भी आप सब्जेक्ट जब पढ़ना स्टार्ट करें तो उसे देखें और सिलेबस के हिसाब से बने। आपको कोई एक्सपर्ट नहीं बनना है, आप सिर्फ टू द पॉइंट पढ़े और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े। अब सेकेंड पॉइंट आता है पेपर के एनालिसिस। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लें या खरीद लें, फिर उसके बाद उसका एनालिसिस करें। आप सब्जेक्ट पढ़ने के पहले भी देखें उसको, तो सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद फिर देखें कि आपसे क्वेश्चन बन रहा है, वो कहाँ से कितना क्वेश्चन आया है, आपको कहाँ कितना इनपुट देना है, आपको कहाँ से कितना आउटपुट मिल रहा है। तो क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करते रहें। अब एनालिसिस और सिलेबस जाने के बाद आपको एग्जाम का पैटर्न एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपको कहाँ से कितना पढ़ना है और कैसे आ रहा है। जैसे प्री में आपको फिलोसफी, साइंस, एनवायरनमेंट, छत्तीसगढ़ में ट्राइब, पंचायती राज, ये कम इनपुट पे ज्यादा आउटपुट देते हैं। मेंस का एग्जाम कैसे है, आपको लैंग्वेज में थोड़ा सा अगर कम कम पकड़ है तो उसको मजबूत कर सकते हैं। ऐसे कैसे लिखना है। साइंस मैथ्स वालों के लिए थोड़ा सा फायदा है पेपर 4 में। तो आप पैटर्न जान जाएंगे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने स्टार्ट कर देंगे और आपको ही एक बहुत बड़ा फायदा होगा। अब चौथी चीज आती है नोट्स मेकिंग। आपको खुद का नोट्स बनाना है, इससे आपको फायदा रिवीजन करने के टाइम बहुत ज्यादा होगा और ये एग्जाम है, मेमोरी बेस्ड एग्जाम है, तो आपको नोट्स मेकिंग बहुत ज्यादा हेल्प करेगी उस चीज को अपने दिमाग में याद रखने में, रिटेन करने में। अब हम आते हैं रोड मैप। ये एक मेरा रोड मैप है, आप कुछ भी हो सकता है, आपको कैसे प्लान करना है पढ़ाई का। तो फर्स्ट जो फर्स्ट पॉइंट है वो 4 मंथ का बनाया हूं मैं। तो आपको कम से कम 6 घंटा पढ़ना है, 6 घंटा सफिशियंट है एक दिन में। तो आपको 5 घंटा मेंस को देना है, 1 घंटा प्री को देना है और दोनों का नोट्स बनाते रहना है। आपको बोल रहा हूँ बार बार कि मेंस रेडी रहना है, 5 घंटे मेंस को दीजिए और 1 घंटा प्री को दीजिए और दोनों का नोट्स बनाइए। अब आप क्या करेंगे इस 4 महीने में, जैसे मेंस का है 7 पेपर है, तो एक तो ऐसे है, तो
आप 6 में से 4 पेपर इन 4 महीने में कंप्लीट करने का ट्राई कीजिए। अब उसके बाद आता है 2 महीने का पीरियड, इसमें आपको 3-3 घंटे देना है मेंस को और प्री को। इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो आपका बचा हुआ है 6 पेपर में से 2 पेपर उसको कंप्लीट करने का ट्राई करें, और प्री को ट्राई करें पहले और अभी मिला के 6 महीने में 80% सिलेबस कवर कर लें। अब आता है दिसंबर से लेकर प्री तक एग्जाम। अब आपको मेंस छूना नहीं, आपको सिर्फ प्री पे ध्यान देना है, और टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देना आपको दिसंबर से ही, और कम से कम 3 बार रिवीजन करें प्री का एग्जाम के पहले, और एग्जाम के पहले 15 दिन में आप कुछ नया ना पढ़े, आप कंप्लीट कर लें और सिर्फ रिवीजन पे ध्यान दें इस 2.5 महीने में ज्यादा। अब उसके बाद प्री के बाद आता है टाइम, तो आप मार्च से टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दें मेंस का। प्री के रिजल्ट का वेट मत करें, आपका मेहनत बेकार नहीं जाएगा, और जितना मेंस बचा था उसको इसमें पढ़ लें, उसका नोट्स बना लें, करंट अफेयर सेट करें और वीकली ऐसे लिखने स्टार्ट कर दें इसमें। अब लास्ट आता है अप्रैल से जून। अब आपको मेंस का रिवीजन करना है, टेस्ट सीरीज ज्यादा से ज्यादा देना है, आंसर राइटिंग हर दिन लिखना है और वीकली ऐसे लिखना है, और लास्ट का 1 मंथ में वीक में 2 बार ऐसे लिखना है। ये मेरा है, आपका अपना हो सकता है, लेकिन एक व्यू है, आप इससे क्लियर समझ जाएंगे कि आपको कैसे प्लान करना है। आप टेस्ट सीरीज पे आते हैं, तो मैं पहले बता चुका हूँ कब स्टार्ट करना है और कितना देना है, अभी बताता हूँ। तो प्री का आपको दिसंबर से स्टार्ट करना है, कम से कम 20 देना है, इससे आपको एक सही पॉइंट पता चल जाएगा कि आप कितना अटेम्प्ट करें, आपको एक्यूरेसी क्या आ रही है, और क्या आपको स्ट्रेटजी बनाना है एग्जाम में, कितना आप अटेम्प्ट करेंगे, ये सब आपको पता चल जाएगा। फिर मेंस का आपको मार्च से स्टार्ट कर देना है, आपको प्री के रिजल्ट का वेट नहीं करना है, आपको मेहनत बेकार नहीं जाएगी। अगर आपका प्री में भी नहीं होता है, अगर आप मेहनत अच्छे करेंगे तो प्री में हो जाएगा आपका, लेकिन आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। और कम से कम एक पेपर को 3 बार देना है, और ऐसे तो खुद से भी लिखते रहना है। अब कुछ चीजें हैं जो हमें करनी है और नहीं करनी है इस एग्जाम में, तो उसके डूज एंड डोंट्स कुछ इस टाइप है। फर्स्ट है, आपको डेली टारगेट सेट करना है, आपको मंथ का टारगेट नहीं बनाना है, इतने में इतना सब्जेक्ट पूरा करना है, आपको चैप्टर वाइज टारगेट कीजिए, आज मैं ये चैप्टर कंप्लीट करूंगा, आज ये टॉपिक कंप्लीट करूंगा, इससे आपकी इफिशियंसी बढ़ेगी और एक लोड भी नहीं आएगा और सिलेबस जल्दी कवर होगा। अगर जो आप स्ट्रेटजी बनाया है आपको सही लगनी चाहिए और उस पर हमेशा टिके रहें, कभी मत भटकें। और एनालिसिस, आप टेस्ट दिलाएंगे तो आप खुद अपनी एनालिसिस करेंगे और अपनी वीकनेस को इम्प्रूव कीजिए और स्ट्रेंथ को और मजबूत कीजिए। ये एग्जाम रिवाइज डिमांडिंग है, आपको चीजें याद रखनी है इसमें, तो रिवीजन आपको बार बार करना पड़ेगा। तो कोई भी टॉपिक को आप वीकली रिवाइज करें और उस सब्जेक्ट को मंथली रिवाइज करें और हर मंथ करते रहे, तो रिवाइज बहुत जरूरी है इसमें। और बार बार बोल रहा हूँ, आपको मेंस रेडी रहना है इस एग्जाम के लिए। अब कुछ गलतियां आपको नहीं करनी है, आपके स्टैंडर्ड बुक नहीं लेना है, मैं बोल रहा हूँ आपको कि आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है, आपको एग्जाम क्रैक करना है। तो जैसे पॉलिटी है, सिर्फ 50 मार्क्स तो होते हैं मेंस में, तो आपको लक्ष्मीकांत की जरूरत नहीं है, रमेश सिंह की जरूरत नहीं है, तो आप स्टैंडर्ड बुक ना लें। आपको कंटिन्यूटी कभी ब्रेक नहीं करना है, आप पढ़ रहे हैं तो पढ़िए हर दिन, अगर कुछ इमरजेंसी आ जाता है तो आप आधा घंटे निकालिए, 1 घंटा, लेकिन कंटिन्यूटी ब्रेक मत कीजिए, इससे आपका ही सिलेबस छूटते जाएगा और आप ही पीछे होते जाएंगे। और अपना प्लान बना लिया है तो उस पर टिके रहिए, कभी चेंज मत करिए, जब तक कि वो कुछ रिजल्ट ना दे रहा हो, इमरजेंसी केस में ही अपना प्लान चेंज कीजिए। और ये इम्पोर्टेंट चीज है, आपको कोई नया टॉपिक या नया चीज नहीं पढ़ना है एग्जाम के पहले, प्री के 15 दिन पहले आपको कुछ नया चीज नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ रिवाइज करना है। वैसे मेंस है, मेंस के पहले भी आपको नहीं पढ़ना है कुछ नया, आपको रिवीजन पे ज्यादा ध्यान देना है। और लास्ट पॉइंट है न्यूज़पेपर, आपको न्यूज़पेपर पे ध्यान नहीं देना है, इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप कोचिंग का कंपाइलेशन ले सकते हैं करंट अफेयर्स का, वहां से पढ़िए। ये एग्जाम न्यूज़पेपर का डिमांड नहीं करता है, तो आप न्यूज़पेपर पे ध्यान ना दें,
जो प्रिसाइज नोट्स है आपके उसी से ही पढ़ाई की। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें।